दीपक शर्मा है, मैं आसाम से आया हूँ। सो मेरा पिछले 5-6 सालों से पाइल्स का प्रॉब्लम था। जैसे मान लीजिए पाइल्स का प्रॉब्लम होता है तो मतलब ब्लड जाता था टॉयलेट से, तो काफ़ी जगह में दिखाया इसके बारे में। मैं पिछली बार लास्ट 5 ईयर्स पहले मैं अपोलो में भी गया था, तो वहाँ पे वो लोग ने बोला जो सर्जरी होगा काटेगा और ये सब होगा, तो उसके वजह से मैंने नहीं किया। तो बाद में मुझे कैसे दोस्त के माध्यम से पता चला जो शीशी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में इसका इलाज होता है और काफ़ी अच्छा होता है, तो विदाउट सर्जरी एंड ऑल मतलब अच्छी तरीके से होता है ऐसा पता चला। तो फिर मैं आया यहाँ पे आके डॉक्टर को दिखाया, तो दिखाने के बाद डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया जो मेरा बहुत बड़ा हो गया है, तो मेरा दो बार होगा सर्जरी छोटा छोटा करके ताकि मुझे ज़्यादा पेन ना हो। तो मैंने फिर बाद में आके किया ऑपरेशन डॉक्टर सुरेंद्र नाथ और किया मैम के सुपरविजन में मैंने किया, और करने के बाद मुझे अभी बहुत रिलीफ मिल गया। पहले मेरा इतना प्रॉब्लम दिया था ये पाइल्स, तो अभी ये करने के बाद काफ़ी सारा रिकवरी हो गया। ब्लड जो मेरा जाता था टॉयलेट से वो भी बंद हो गया है, और जितना मेरा ओवरऑल प्रॉब्लम था वो सब मतलब हील हुआ है यहाँ पे। तो मैं सबको रेकमेंड करना चाहता हूँ कि मतलब अगर कोई ऐसा पाइल्स का या फिर यहाँ पे मुझे और दूसरे भी पता चला, जैसे यहाँ पे आँख का ट्रीटमेंट, आई का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता है, और हड्डी का भी बोन का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो मैं सभी को रेकमेंड करना चाहता हूँ अगर कोई अगर ऐसा प्रॉब्लम से अगर कोई फेस कर रहा है तो यहाँ पे आए और उसका इलाज करे। और एक बात मुझे क्या अच्छा लगा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए दूसरे जगह में मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे जगह में जैसे एलोपैथिक में जाने से क्या होता है, वो लोग का जैसे एलोपैथिक का मेडिसिन बहुत सारा होता है और वो सब खाने से मतलब क्या होता है बॉडी को साइड इफेक्ट भी आता है। तो यहाँ पे क्या मुझे एक अच्छा और क्या लगा, मेरा तो हील हुआ ही हुआ, उसके बाद फिर मेरा एलोपैथिक मेडिसिन मुझे यूज़ नहीं करना पड़ा। सब जितना है आयुर्वेदिक और कम्प्लीटली नेचुरल जितना मुझे मेडिसिन मिला, तो उससे भी मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। और हाँ, बीमार के साथ और क्या होता है, एक एनवायरनमेंट, जैसे यहाँ बाहर जब मेरा ट्रीटमेंट के बाद जब शाम को मैं यहाँ बाहर घूमता था तो फिर यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, चारों तरफ बहुत साफ़ सुथरा है, कहीं पे भी मुझे गंदगी नहीं लगा, और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर लोग भी, और जितने जूनियर डॉक्टर है वो लोग का भी मतलब बिहेवियर या फिर वो लोग का जो मतलब पेशेंट के साथ जो मतलब एक रिलेशन एक घर का जैसा लगा मुझे। जितने भी डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर सर लोग है, मैंने कभी समय मेरा जब मेरा ये ड्रेसिंग होता था, दो टाइम ट्रीटमेंट के बाद ड्रेसिंग होता था, तो उस टाइम में बहुत पेन होता है, तो मैं मतलब उन लोग को वो ड्रेसिंग करने के टाइम में भी बहुत डिस्टर्ब दिया था, मतलब मैं कर नहीं मतलब इतना पेन, लेकिन कभी भी वो लोग ने आज मतलब एक बार मेरे साथ रूडली या फिर गुस्से से बात नहीं किया, बहुत अच्छे से बोला है जो थोड़ा धैर्य रखिए अच्छे से हो जाएगा बोल के। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब मेरा ये शीशी आयुर्वेदा हॉस्पिटल का जो